हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मैं जो दाल बनाने वाली हूँ ना, ये मेरे हस्बैंड को उतना ज्यादा पसंद नहीं है। उसको तो उसका ऐसा नहीं है कि ना पसंद, पसंद ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज उसको थोड़ा कम पसंद है। तो ये दाल भी उसको कम पसंद है, लेकिन मेरा बहुत ही पसंदीदा दाल है। तो उसने बोला कि हाँ, तुम मुझे बना दो, मैं भी खा लूंगी और वो भी खा लेंगे। तो आज मैं बनाऊंगी ओनियन विथ मसूर के दाल। और फ्रेंड्स, मेरा विश्वास करो, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी। मेरा तो शादी के पहले दाल तो मैं ये ही खाती थी, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा एक दाल है। तो चलो बनाते हैं बंगाली स्टाइल मसूर के दाल विथ ओनियंस। लेट्स स्टार्ट। बंगाली स्टाइल मसूर के दाल बनाने के लिए मैंने इधर पे लिया है मसूर दाल। इसको मैंने धोकर तैयार कर लिया और भिगो के भी रख दिया है, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके साथ साथ लिया है जीरा, रेड चिली, बे लीव्स, हल्दी, नमक, ओनियन एकदम थिनली स्लाइस कर लिया पतले पतले, और ऑब्वियसली चाहिए मस्टर्ड ऑयल। तो चलो बनाते हैं बंगाली स्टाइल मसूर के दाल। तो मसूर के दाल को फर्स्ट में मैं बॉईल कर लूँगी। उसके लिए मैं कुकर चढ़ा दिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ दाल। साथ ही साथ मैं ऐड कर दूंगी नमक। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल देकर एक सीटी लगा दूंगी। तो दाल को मैं बॉईल कर लेती हूँ। तो मसूर दाल बनाने के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया और अभी मैं डाल रही हूँ ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। इसको फर्स्ट में गरम होने दीजिए। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अभी मैं ऐड कर रही हूँ जीरा, इसके साथ ही साथ रेड चिली, साथ ही साथ बे लीव्स। ओनियन इन सारे को अभी बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है, बहुत ही अच्छे से। इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ओनियन हमारा फ्राई हो गया है, अभी मैं ऐड कर देती हूँ हल्दी। इसको मिला लेती हूँ ऐसे। और अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी बॉईल किए हुए दाल। इसको मिला दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी ऐसे। लीजिए, दाल हमारा पूरा के पूरा बॉईल हो गया है। अभी मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ ऐसे। मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। देख लीजिए, दाल के अंदर थोड़ा सा बबल आना शुरू कर दिया है। और इस वक्त में मैं ऐड कर दूंगी ग्रीन चिली, इससे ना बहुत ही अच्छा एक स्मेल आता है, इसलिए मैं ऐड कर देती हूँ ऊपर से। इसको और थोड़ा बॉईल होने दीजिए। तो मसूर के दाल हमारा रेडी है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। अभी मैं इसको सर्व कर दूंगी। तो दाल को मैं सर्व कर देती हूँ।
तो बंगाली स्टाइल मसूर के दाल हमारा पूरा के पूरा रेडी है। कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।